बॉबी झा एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर, मदर्स डे स्पेशल। सोशल मीडिया पर मां के कर्जदार, फिर वृद्धा आश्रम में किसकी मां को है इंतजार। समाज को सोशल मीडिया पर प्रेम दिखाने की आवश्यकता नहीं है, समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ मेरा ये लेख उन लोगों को बहुत बुरा लग सकता है जो अपनी माँ को आश्रम में छोड़ आए हैं। क्षमा चाहता हूँ, जो सही है वह सत्य है। भागीदारी उनकी पत्नियों की होती है जो यह भूल जाती है कि वो भी अपने घर अपनी माँ को छोड़कर आई है। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो उस पर क्या गुजरेगी। समाज को सोशल मीडिया पर माँ को क्या चाहिए? अपने बच्चों की एक प्यारी सी मुस्कान। बेशर्मी की हद तो उस वक्त देखने को मिलती है जब अपनी माँ को आश्रम में छोड़ने वाले बेटे सोशल मीडिया पर मात्र प्रेम का लंबा भाषण देते हैं। बुजुर्गों की माने तो एक बेटे की तरह अपनी ही माँ को आश्रम पहुँचाने में करीब 90% भागीदारी उनकी पत्नियों की होती है, जो यह भूल जाती है कि वो भी अपने घर अपनी माँ को छोड़कर आई है। माँ तड़पती है मगर जालिम बेटे को जरा भी रहम नहीं आती। वो भूल जाता है कि उसकी हर एक सांसें माँ की कर्ज है। उसने उसे जन्म देते वक्त खुद पुनर्जन्म लिया था, खुद भूखी रहकर बेटे का पेट भरती थी, रात में खुद गीले बिस्तर पर सोई उसे अपने सीने से लगाकर सुलाया था। साल के 365 दिन में भी माँ को छोटी छोटी खुशियाँ देकर भी हम मदर्स डे मना सकते हैं। कुछ लोग अपनी माँ को भी तभी तक साथ रखते हैं जब तक उनके घर का वह काम संभालती है। ऐसा न करें कि केवल माँ की एक ही दिन सेवा करें, 365 दिन माँ की सेवा करते रहें। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।